जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र नूरपुर में दबंगों द्वारा मारपीट कर 5 लोगों को घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि वे राजा का ताजपुर के गरीब लोग हैं। पहले भी दबंगों ने उनका खोका हटा दिया था। पीड़ितों ने मामले की तहरीर संबंधित थाने को देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मामला उस वक्त सामने आया जब पीड़ित परिवार एसपी बिजनौर से दोषियों के खिलाफ शिकायत के काफी दिन बीतने के बाद भी पुलिस की तरफ से दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना किए जाने से परेशान हो। दरअसल पूरा मामला ये है कि दबंगों के कुछ लोग पीड़ितों के ठेले के वीडियो बना रहे हैं। जब उन्होंने वीडियो बनाने की वजह पूछी, बस इतनी सी बात पर दबंगों ने तबल से हमला बोल दिया। परिवार के अन्य लोगों ने बचाव करना चाहा तो उन पर भी हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हुए। घायलों में 3 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में उन्हें मुरादाबाद के कॉस्मोस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां अभी भी पीड़ित परिवार के 3 लोग आईसीयू में जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं और परिजन इंसाफ के लिए आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। दबंगों का आए दिन लोगों के साथ मारपीट करना आम बात। पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ एसपी बिजनौर से मुलाकात कर अपने दर्द की दास्तान सुनाकर इंसाफ की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? शमशीदा जी, आज ही आप एसपी साहब से मिले हैं बिजनौर? क्या है पूरा मामला? जी, एसपीआई साहब से यूं मिले हैं कि वहाँ हमारे राजा के ताजपुर में इन्होंने इस प्रकार ने हमारे ठेले लगे हुए हैं वहाँ आके और उन पर धारदार हथियार से हमला करा। किस बात को लेके जो है विवाद हुआ? जी, वीडियो बना रहे थे वो, क्या पहले तो खोका हटवा दिया तुम्हारा, अब हम ठेले भी हटवाएंगे। तो उन्होंने यूँ कह दिया कि तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, तो उन्होंने एकदम हथियार लाके और एकदम उन पर हमला करके उन्हें 3 को घायल, 5 को घायल करा था, जिनके 3 के 2 के तो कम चोट है और 3 के ज्यादा है जो आईसीयू में भर्ती है कॉस्मोस में, और उनका एक का ऑपरेशन हुआ सर का, 3 बोल नहीं रहे। और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस, हम जाते हैं थाने में, सुनवाई नहीं होती हमारी। अब भी यूँ कह दिया उन्होंने दरोगा साहब ने कि 2 तारीख को जाएंगे हम इंक्वायरी करने कॉस्मोस में, और इतने हमारे मरीज को पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता हमें। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने यूँ कह दिया कि तुम्हारी सुनवाई होगी और तुम जाओ वहाँ घर। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं, हमारा जो चोट लगी उन्हें इंसाफ मिल जाए, हमारा हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। उन्हें 300 साल लगनी चाहिए उन पे, उन्हें